सब गज के अखो तांत्री था गुरु प्रताप सिंह जी। आपने गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है, सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह का पवित्र उपदेश सरवण किया है। तुसी आखोगे भी दिन शहीदां दा, तो मैं सगुरां नूं धन सतगुरु प्रताप सिंह का नाम लिया धन आखण वास्ते। मैं सिर्फ इस वास्ते लिया भई तुसी बहुत वड्डे भागां वाले होवोगे जिन्हां नूं सतगुरु राम सिंह दे दर्शन किसे नूं सुपने जां किसे नूं उस तरह दित्ते होण सगुरां ने, पर साडे च इस तरह का बंदा कोई नहीं जापदा जिन्हें सतगुरु राम सिंह दे दर्शन किए ने। ये जिहड़ी याद सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने सतगुरु राम सिंह की करवाई, सतगुरु राम सिंह बारे जानकारी दिती, सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह की कृपा नाल ही सानू पता है कि सतगुरु राम सिंह है। सानू तो कोई पता नहीं सतगुरु राम सिंह का। कई ऐसे आदमी भी हुए जिन्होंने साडे नामधारियों के आगू भी जिन्होंने ना एक प्रदेशी प्रीतम रसाला कढ़िया सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह वेले, उहदा मतलब प्रदेशी प्रीतम दा इन्ना नहीं जिन्ना इस गल दा मतलब सी भी सतगुरु प्रताप सिंह नूं छोटा करन वास्ते, पर उह सतगुरु नूं कौन छोटा कर सकदा। सो अज तुसां रागी सिंघां तों शब्द सुणिया शुभ बचन बोल गुण अमोल, बहुत वधिया गल। पर जे कोई आदमी शुभ बचन नहीं बोलदा उन्हूं डांगा लैके आख्या जाए तो सब भजन बोलते ये चंगी लगेगी गल, फिर उन्हूं ये चेता नहीं रहेगा ये नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए फिको फिक्का सदिया फिके फिकी सोए, फिर लिखा फिक्का दगा सटिया मैं चुका फिके पाए फिका मूर्ख आखिया पाणा लह सजाए। जो असं फिके होंने फिक्का बोल भी गुचना उस वे सानू इन दुखां याद कर लेना चाहिए, फिर शायद असं वापस मुड़ आईए। तो शुभ बचन जिहड़े ने ये भी एक आदमी आंदा भी मैं शुभ बचन बोलदा जां इह फलाना बंदा शुभ बचन बोलदा है, दूजा आंदा नहीं बोलदा शुभ बचन, उहदा फैसला किहने करना है? ये भी बड़ा मुश्किल है अजकल। वो फैसला हर एक आदमी अपने आसे लैना चाहुंदा, जिन्ना चिर ऐसी स्थिति है उन्ना चिर सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जिहड़े जिन्हां ने बहुत प्रेम नाल हाथ जोड़ के किसी ने आख्या वह भी शुभ बचन है, पर जिन्होंने तोपां दे अगे खलो के आख्या बिल्लिया किसी माँ का पेट गंदा करके फिर आए कुड़ते जो नज़र तेन कढ नहीं लेंदे इतों तेन वो नज़र जाते नहीं फिक्र घर तू, वह भी शुभ बचन है। तो वह बचन तो सतगुरु ने दसना कि शुभ हैगा। तो तगड़े हो के तुम भजन बाणी करो सतगुरां दे चरणां अरदास करो भी इस कलयुग की अग तो सानू बचा लैन, नहीं तो इस वेले कोई वार नहीं सीधी पग बन के भजन बाणी करके ईरखा विच प्रवृत्त हो जाए आदमी तो ये कलयुग अगे कोई बहुत ही औखी गल नहीं। पर सतगुरु नूं जिहड़े याद करन सतगुरु जिन्हां ते कृपा करे उन्हां दे उत्ते इस चीज़ का बल नहीं पै सकता। तो मैं तुहानूं यही अर्ज करनी है कि हर एक नामधारी नूं चाहिए एक एक पाठ दसम जां आदि का हर महीने का करन, हर घर प्रति एक एक पाठ कर, हर जी प्रति एक एक घंटा नाम सेवन, यह बहुत जरूरी है। सगुरां जिहड़ा साडे लई फायदा हुकम दिता सच्चे पातशाह उपदेश सुनिया भी कई आदमी यही प्रचार करते हैं भाई एक घंटा तुसीं करदे बाकी घंटे कित्थे जाण, शुकर है एक घंटा हुंदा। यह भी कई आदमी ऐसा मिठा मिठा प्रचार करते हैं वो अपनी लीह तो गड्डी ला देंदे ने सगुरू वाले पासे तुरन तो लांभे कर देंदे ने, उन्हों का काम ही है उन्हों का धर्म है जिन्होंने इस पासे तुरना। सो तुसी अपने तगड़े होकर बचाव करो इस चीज़ का ताकि सगुरां दी आग्या का पालन करिए। जिते शहीद सिंह गए ने जो असी जाइए सानू भी कोई चंगा थां उत्थे मिल सके। मैं यही अर्ज करके अगे लवांगा।